हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिस पे आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ठीक है? ये जेंडर रीडिंग होती है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ। अपने क्रश के बारे में सोचें, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर की क्रश की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के क्रश की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर के क्रश की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए भाई। फीलिंग्स उनकी बहुत हाई हैं भाई। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। वन मोर शफल एंड बस लास्ट। आपकी क्रश की फीलिंग्स, आपके क्रश आपको सिंगल देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देना चाहिए, उनके भी माइंड में चलता है आपको देखकर। ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दोनों की बात होती हो, ठीक है? किसी सोशल मीडिया साइट पे उनकी और आपकी बात होती हो। फाइव ऑफ सूट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई फैमिली इशूज़ हों, आप लोग के कज़न्स वगैरह हों, उनको ऐसा लगता हो कि अगर हम दोनों एक साथ आ गए तो ऐसा ना ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाएँ, हमारी फैमिलीज़ की। आपके क्रश की फीलिंग्स निकाल रही हूँ, तो आपके क्रश ऐसा हो सकता है कि चीज़ों के बारे में सोचते हैं, या तो ऐसा हो सकता है आप म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर वो इन सब चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो वो बैलेंस सिचुएशन के साथ करेंगे। उनके माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो खुद कन्फ्यूज़ हों और आपको कन्फ्यूज़ रखें और इस सिचुएशन में कूद जाएँ, ऐसे उनकी सोच नहीं है। उनको पता है कि आपके भी इमोशंस हैं उनके लिए, कहीं ना कहीं आप भी फील करते हैं। उनको रिजेक्शन का डर नहीं, उनको आगे की क्लैरिटी का डर है। उनको जो ये है कि आगे सब ठीक रहेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा। अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड हैं एक दूसरे के, ऐसा हो सकता है कोई आपके जैसे कुछ ना कुछ ऐसा उनके माइंड में कुछ ऐसा है, जैसे बहन का कोई भाई है जो उनके दोस्त के साथ किसी रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, कोई ऐसा क्रश है कि कुछ उनको ऐसा लग रहा है आगे जाके कुछ गलत ना हो, आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ना बने। बिल्कुल, देखें सेवन ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आपको आपके बारे में आपके क्रश को पता नहीं है। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स ये हैं, आपके क्रश को ऐसा लगता है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो सकते हैं आपके क्रश, ठीक है? वो वर्क तो करना चाहते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो आपके क्रश। क्लैरिफाई टावर, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे टावर को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे टावर क्यों आया है? बात करने से आपके पार्टनर कतराते हैं, आपके जो क्रश हैं वो थोड़े से फ्लर्टिंग टाइप हो सकते हैं। बिल्कुल, किंग ऑफ फ्रेंड्स अट्रैक्टिव हैं, उनको ऐसा लग रहा है ये अट्रैक्शन तो नहीं है खाली, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल देखते हैं और ख़ुद सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं अट्रैक्शन है कि अट्रैक्शन के थ्रू मैं चला जाऊं और चीज़ें बाद में मैं उसको कैरी ऑन ना कर सकूं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये टेम्परेंस को क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड ने क्यों किया? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ड, आपके क्रश आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो सकते हैं। उनको इतना तो पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, पर्सन हैं। दी एम्प्रेस, उनको ऐसा पता है, उनको इस बात का पता है, वो ख़ुद कुछ फ्लर्टिंग टाइप पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट पर्सन हैं, ठीक है? उनको आपकी पर्सनैलिटी का पता है, आपके क्रश को
आप उनको पता है आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा एक वेल और रिच पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस भी रखते हैं आप, साथ साथ में एरोगेंट नहीं हैं आप, आप एक एम्प्रेस की तरह, आप मदरली केयरली नेचर आपका है, आप केयर करना जानते हैं, प्रोटेक्ट करना जानते हैं, प्रोवाइड करना जानते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप क्लियर भी रहना जानते हैं, क्लियरिटी मांगना भी जानते हैं। आपके पार्टनर आपको बॉटम ऑफ द डेक निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, कहीं ना कहीं उनके उनको ऐसा लगता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके क्रश, कि आप उनकी तरह हैं, आप उन्हीं की तरह हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है जो आप डिज़र्व करते हैं क्या वो दे पाएंगे आपको अगर वो आपकी तरफ आए तो। आपके क्रश की फीलिंग है ये, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके क्रश कोई ऐसे वाले क्रश नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं जानते हैं, आपसे उनकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होती है, चाहे हल्की फुल्की हाय हेलो ही होती हो, लेकिन होती है, ठीक है। तीन कार्ड नहीं लूँगी, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, स्पेसिफिक कैंसर साइन है यहाँ पर और टॉरस साइन है यहाँ पर, स्पेसिफिक साइंस बता रही हूँ, एरीज लियो सैगिटेरियस भी है, आपकी तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो मूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच फाइनेंशियल कोई इशू हो, कि आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो, आपके क्रश इतने ना हो वेल ऑफ, वो आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन देखते हैं। देखिए किंग है, वो खुद भी आपके लिए उतने ही कंप्लीट बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि अगर हम आगे बढ़ें तो इस रिलेशनशिप के लिए कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन बने, वो सब कुछ क्लियर पहले ही करना चाहते हैं, ठीक है। आपके क्रश, आपके क्रश की थिंकिंग आपको लेकर ये है, अगर कुछ भी करना है, क्योंकि आप बहुत कंप्लीट पर्सन हैं, आपको कहीं और मूव करना होगा तो आप कर जाएंगे, आपके लिए इतना परफेक्ट बनना चाहते हैं कि अगर वो आपको अप्रोच करें तो ये एक्सेप्टेबल हो, आप एक्सेप्ट करें उस सब चीज़ों को, आपको इतने काबिल लगे वो, आपको उनके अंदर इतना पोटेंशियल लगे कि हाँ ये मेरे एक काउंटर पार्ट बनने के काबिल है, ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है, वो कुछ अभी के साथ इन फ्यूचर की चीज़ें भी सोच रहे हैं, फैमिली एक्सेप्ट करेगी, बाद में जाके ये अट्रैक्शन तो नहीं है खाली, ये लव में चेंज होगा, इधर इमोशंस होंगे मेरी तरफ से, आपकी तरफ से तो वो जानते हैं आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ कि एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। सही है, आपके पार्टनर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्लियर होके आना चाहते हैं, वो कोई भी कन्फ्यूजन अभी के लिए नहीं और पास के लिए नहीं रखना चाहते, वो फैमिली के माइंड को भी जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको पर्सनली जान, ऐसा हो सकता है कि वो जानते हैं आपको, वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लियर रखना चाहते हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं कि फैमिली के लिहाज से अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो कैसा रहता है, और अगर फाइनेंशियली भी सोच रहे हैं, अगर मैं इतना गेन कर लूँगा, मैं इतना अर्न कर लूँगा, मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ कि आपके साथ लाइफ पार्टनर बनने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ मेच्योर पर्सन है, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर मेच्योरिटी है, वो फ्लर्टीस्ट अपना नेचर तो दिखाते हैं वो, लेकिन इतने इमेच्योर नहीं हैं, उनके पास कुछ ऐसा है, वो आपको देख के इतने हाईली आपको हाई रिगार्ड्स देते हैं कि खुद भी उस पोटेंशियल के काबिल बनना चाहते हैं। क्लैरिफाई आपके लिए क्या होनी चाहिए एडवाइस, अपने माइंड को क्लियर रखें अगर आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सही है लिलीज, कुछ गुड न्यूज़ है आपकी तरफ आने वाली है, आपके लिए वन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, थ्री नंबर और 1111 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका, हाउस आपके साथ मैरिज चाहते हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बर्ड कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लिलीज के नीचे आया है, बर्ड्स आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, क्रॉस अगर आप क्रॉस रोड पर हैं तो उससे आप बाहर आ जाएं, अगर आपको रिलेशनशिप में आना है तो अपने आप को अपने माइंड को क्लियर रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर हैं, कॉफिन ऐसा हो सकता है किसी का पास्ट हो इस रिलेशनशिप में, राइडर आपके पार्टनर आना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके जो क्रश हैं वो आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉफिन लेकिन किसी का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कोई किसी ने पास्ट में टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा हो, आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि
आपके पार्टनर ने कोई एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, जो आपके इस वक्त क्रश हैं उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, वो जिसकी वजह से बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। आपके क्रश की फीलिंग भी आपकी तरह है, लेकिन वो अपने पास्ट के लेसन्स को सोच समझ के कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। अगर वो आएंगे तो फुल एक मीन्स हर तरीके से क्लियर होकर आएंगे। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।